हाई एवरी वन, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, दो इक्वेशंस हैं, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, तो क्या कंडीशन होगी, है ना? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हैं इसके, ये गिवन है. तो यहाँ से हम देखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले. 2ax प्लस a प्लस by माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ से a1 की वैल्यू है जो कि x का कॉफिशियंट है 2 है, और a2 है जो सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशियंट है, दैट इज 2a, और b1 है 3, एंड b2 इज a प्लस b, c1 है माइनस 7 और c2 है माइनस 28. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करो, इसको डिवाइड करो. मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, आपको पता है भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या है कंडीशन. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन होती है. तो ए वन क्या है 2 और ये है 2 ए, बी वन क्या है 3 और ये है ए प्लस बी, और ये है माइनस 7 अपॉन में माइनस 28. ठीक है, तो फर्स्ट टू लेते हैं. मैंने क्यों फर्स्ट टू लिया, क्योंकि फर्स्ट टू में ए और बी दोनों आ रहा है, तो हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए. तो करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया 3a, फर्स्ट टू लिया था 3a क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया 2a इज इक्वल टू बी. तो 2a इज इक्वल टू बी है हमारा फाइनल आंसर, बी ऑप्शन है. होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.